कुछ भाई आ गए आपके लिए एक और वीडियो लेके। अभी आप ये अपने सामने देख पा रहे हो मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, और ये थोड़ा ऐसे आ रहा है एक्सपोजर, आप ये देख लो इसका लुक वगैरह। और स्विफ्ट का ये LXi वेरिएंट है फिलहाल हमारे पास, आपको पता चल ही रहा होगा, जिससे नहीं चल रहा उसे भाई हमने बता दिया है कि वीडियो में आपको ये LXi वेरिएंट देखने को मिलता है। LXi वेरिएंट में भी एक बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है, जो कि इसके चार पार्किंग सेंसर्स हैं। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो है इसका ये चार पार्किंग सेंसर आपको एक उधर भी दिया गया है। और बाकी टेल लैम्प्स की बात करें तो आपको टेल लैम्प्स ऐसे कुछ देखने को मिल जाते हैं, LED में आता है, तो इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। और बाकी रिवर्स लैम्प्स और इंडिकेटर जो है आपको वो हेलोजन में प्रोवाइड करे जाते हैं। स्विफ्ट का अपना लोगो जो है वो अपना ऐसे कुछ आ जाता है, आप देख पा रहे हो क्रोम में दिया गया है, और अपना सुजुकी का लोगो भी आपको क्रोम में ही देखने को मिलता है। और बूट के लिए रिक्वेस्ट सेंसर इधर आपको नहीं दिया गया है, आपको फ्रंट से ओपन करना पड़ेगा अंदर स्विच से। और अगर बाकी बात करें तो ऐसे कुछ देखने को मिलता है, प्लेन ग्लास आपको देखने को मिलता है, डिफॉगर वगैरह वाइपर वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता। और साइड की बात करें व्हील्स की, तो व्हील्स की प्रोफाइल इसमें आपको देखने को मिलती है 14 इंच देखने को मिलती होगी, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई ये रही देखो, आप ही देख पा रहे हो 165/80R14 165/80R14 ये प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। स्टील रिम देखने को मिलते हैं बिना किसी ब्लैक पेंट के, सिल्वर पेंट आपको देखने को मिलता है। और इसको आप ब्लैक पेंट करवा के अपना इसमें वो लगवा सकते हो, व्हील कवर्स आप लगवा सकते हो, व्हील कैप बोलो, व्हील कवर्स कह लो, आप कुछ भी लगवा सकते हो। फिलहाल हमारे पास सिल्वर कलर में खड़ी है ये कार, आपने देख लिया होगा। और इसकी ऐसे कुछ आता है साइड लुक की बात करें, साइड लुक में आप ये देख सकते हो ऐसे कुछ आता है, ब्लैक हैंडल्स आपको इधर देखने को मिलते हैं। बॉडी कलर आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा, और इधर पीछे वाला तो आपको हर वेरिएंट में ब्लैक ही देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी से इंटीग्रेट किया गया है ऊपर। और ORVMs की बात कर ले तो ORVM इसमें आपको ब्लैक देखने को मिलते हैं, साइड में अपना इंडिकेटर देखने को मिलता है, ऑरेंज बल्ब के साथ आपको देखने को मिलेगा, और ट्रांसपेरेंट अपना केस है उसका। और बाकी हेलोजन्स की, इसके आगे टेल लैम्प, इसके हेड लैम्प्स की बात करें तो आपको जो है हेलोजन में ही देखने को मिलते हैं, और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन के अंदर ही देखने को मिलेगा। और बाकी इधर ग्रिल की बात करें तो क्रोम की स्ट्रिप आपको देखने को मिल जाएगी, इधर आप देख सकते हो। और सुजुकी का लोगो जो है वो भी आपको क्रोम में ही प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी शाइनी शाइनी लगता है देखने में, और ब्लैक मैट कलर में आपको इसकी ग्रिल प्रोवाइड करी जाती है। तो ऐसे ही कुछ है फिलहाल, और ऊपर एंटीना वगैरह भी आप देख सकते हो। और अंदर की तरफ अगर बढ़ के बात करें कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले डोर की बात कर लेते तो ऐसे कुछ आपको देखने को मिलता है, और इधर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट प्रोवाइड नहीं करी गई है, तो ये एक थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा कॉस्ट कटिंग लगी। एटलीस्ट आगे की तरफ तो प्रोवाइड किया ही जा सकता था, लेकिन कोई नहीं यार, चलो इस चीज़ का भी कोई नहीं। और इधर आपको ब्लैक हैंडल्स देखने को मिलते हैं, और टोटल आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। इधर फैब्रिक अगर आप चाहते हो तो आप VXi वेरिएंट ले सकते हो, इसमें आपको फैब्रिक देखने को मिल जाएगा। और बाकी अंदर की तरफ बढ़ के बात करें कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, तो ऐसा कुछ लुक है, स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर इंफोटेनमेंट कंट्रोल वगैरह नहीं है, क्योंकि आपको इसमें सिस्टम वगैरह देखने को नहीं मिलता। और चाबी की बात करें तो चाबी आपको ऐसी कुछ देखने को मिलती है विदाउट स्विचेस, और इसके अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग, मतलब आप अगर इसे अनलॉक करते हो तो आपका इधर वाला या फिर कोई भी डोर अनलॉक नहीं होगा, तो आप सेंट्रल लॉकिंग भी आपको लगवानी ही पड़ेगी आफ्टर मार्केट। और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करें तो फिलहाल लॉक हो गया है, चलो कोई यार कोई नहीं, तो इसमें टिल्ट आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है, और मैनुअल में हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है। इसमें आप ये देखोगे तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, इसका जो गियर लीवर है ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलेगा, और अपना हैंड ब्रेक भी आपको ब्लैक बटन के साथ ही देखने को मिलेगी, मैनुअल हैंड ब्रेक। और इधर की बात करें तो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलेगा 120 वाट पे, तो एक अच्छी बात है कि आपको चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड एटलीस्ट किया गया है स्लॉट इसका। और ग्लव बॉक्स आप देख सकते हो इधर आपको देखने को मिलता है, इधर कार्बन फाइबर फिनिश आपको देखने को मिलेगी, और अगर आप VXi पे जाते हो तो इधर आपको सिल्वर सैटिन फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट वाइपर्स का कंट्रोल इधर है, और हेडलैम्प्स का कंट्रोल इधर है। और इसके बाद करें तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, आपको अपना इसमें ट्रिप बी वगैरह देखने को मिल जाएगी, ये थोड़ा सा हाँ बस ये हो गया, ये आप ये देख सकते हो इधर। और बाकी ये आप देखो इधर एक बार, तो आपको इधर ऐसे कुछ देखने को मिलता है इसमें, और ये फीचर आपको किलोमीटर ड्रिवन देखने को मिल जाएगा, ट्रिप है ट्रिप भी वगैरह। और आपको एक इधर स्विच मिलता है, और एक इधर टॉगल मिलता है देखने के लिए, और इधर आप ये देखोगे अगर इसको प्रेस करोगे तो एवरेज वगैरह दिखाती है आपको, रेंज दिखाती है, तो एवरेज देखने को आपको ज़रूर से मिल जाएगा। और बाकी टैकोमीटर आपको देखने को मिलता है, और इसके लाइट्स की बात करें तो ऐसी कुछ आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं अंदर, ऑरेंज कलर की, टैकोमीटर नहीं सॉरी स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और आपको टैकोमीटर देखने को अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं मिलेगा। और AC अपना मैनुअल आता है, और कप होल्डर्स वगैरह इधर हैं, और इधर को स्पेस दी गई है। IRVM की बात करें तो आपको मैनुअल ही देखने को मिलता है, जिसमें डे एंड नाइट फीचर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, तो आफ्टर मार्केट आप ज़रूर से इंस्टॉल करवा सकते हो। इधर आपको शेड देखने को मिलता है, और इधर भी शेड देखने को मिलता है, जिसमें एयरबैग की वार्निंग दी गई है, इसका मतलब एयरबैग आपको देखने को मिलते हैं। और इधर हेलोजन में आपको कैबिन लैम्प देखने को मिल जाता है, और बस बाकी इतना ही है। और स्पेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं सीट के, और
फाइव फीट फाइव इंचज हाइट है और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है मैंने फिलहाल। और पीछे जाके देखते हैं कि कितना को स्पेस आपको देखने को मिलता है। और सीट की एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको बैक एडजस्टमेंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल हम पीछे आ गए हैं स्विफ्ट के LXi के अंदर और इधर आप देखोगे तो आपको फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे आगे और पीछे दोनों, और पार्शियल ट्रे पीछे की तरफ आपको प्रोवाइड नहीं की जाती और इधर आपको एक हुक प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं बूट आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, बाहर से नहीं दिखाऊंगा। और इधर आपको देखने को ऐसा कुछ मिलता है माहौल, ऐसा सीन है, आप ये देख सकते हो। मैनुअल एडजस्टेबल आपको विंडोज देखने को मिलती है, फैब्रिक में सीट देखने को मिलेंगी, प्रिंट वगैरह आप ये देख सकते हो, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और इधर आप ये देख सकते हो बॉटल होल्डर आपको देखने को मिलता है, इधर भी बॉटल होल्डर देखने को मिलता है। और फ्रंट का डैशबोर्ड का लुक आप एक बार ले सकते हो कि कैसे कुछ देखने को मिलता है आपको। और यही कुछ है, बाकी आपको इतना ही कुछ देखने को मिलता है। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बाकी कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी आप कमेंट में दे सकते हो, और बाकी कोई भी सवाल पूछना चाहते हो कमेंट में पूछ सकते हो, और कंपनी तक कोई भी अपनी बात पहुँचाना चाहते हो वो भी आप अपनी कंपनी तक बात पहुँचा सकते हो। और बाकी सब्सक्राइब तो कर ही देना जो भी नए लोग आ रहे हैं, और बाकी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है भाई, थैंक यू।